हेलो एवरीवन, मैं शशिकांत। यदि आप सोच रहे हैं सोलांग वैली में घूमने का और सोलांग वैली के बारे में जानने का, तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी। मैं यहाँ सोलांग वैली में हूँ और यहाँ के बारे में मैं बता देता हूँ यहाँ क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ एक पार्क है जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं जिससे आप फास्ट फूड खा सकते हो या चाय नाश्ता कुछ भी आप कर सकते हो। ये जो जगह है वो मनाली से 12 किलोमीटर दूर है और 12 किलोमीटर दूर यहाँ बहुत सारी चीज़ें एडवेंचर आप कर सकते हो और पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने के लिए ये जो मेरे पीछे सेंटर है, ये मेरे पीछे जो सेंटर है, ये बुकिंग काउंटर है। इस बुकिंग काउंटर से आप बुक करा सकते हो पैराग्लाइडिंग करने के लिए। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये देखो पैराग्लाइडिंग करके आ रहे हैं, जंप कर रहे हैं और ये उतर रहे हैं। तो यहाँ दो प्रकार की पैराग्लाइडिंग है, एक तो छोटी पैराग्लाइडिंग है जो ज़्यादा हाइट नहीं है, वो सामने आप देख रहे होंगे, वो जो हील है उस पहाड़ी पे जाके आपको पैदल जाना पड़ेगा और वहाँ से 1000 रुपीज़ लगेंगे और आपको ये राइड करवा देंगे। 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगेंगे गोप्रो से आपको यदि रिकॉर्डिंग करवानी है। तो एक तो ये रहा 1000 रुपये के अंदर। एक है 3200 रुपये की पैराग्लाइडिंग जिसमें आपको पूरी हाइट लेके जाएगी एकदम ऊपर टॉप में। वहाँ आपको ले जाने के लिए इनका खुद का एक झूला बनाया हुआ है, ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं रोप वे एंड स्की सेंटर जो लिखा हुआ है। इससे आपको ये जो तारों से आपको एक झूला लेके जाएगा ऊपर तक, वहाँ से आपको ये पैराग्लाइडिंग ऊपर से करवाएंगे और बहुत ज़्यादा हाइट से आपको पैराग्लाइडिंग करवाएंगे। बहुत ऊपर शायद आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे ऊपर जो पैराग्लाइडिंग हो रही है ये 3200 रुपये के अंदर होगी। तो आप भी ये कर सकते हो और यहाँ बहुत अच्छी जगह है, सबसे अच्छी जगह घूमने के लिए यही है। एडवेंचर के लिए यदि आप शिमला के अंदर या हिमालय के अंदर आप देखना चाहते हो तो ये सबसे जगह बेस्ट रहेगी आपके लिए। थैंक यू।